नमस्कार, मैं हूं आपके साथ निहारिका महेश्वरी। महाराष्ट्र की सियासत में बहुत ज्यादा बड़ा तूफान देखने को मिल रहा है। तूफान ये है कि शरद पवार ने जब अपने इस्तीफे का अनाउंसमेंट किया, उसके बाद राजनीतिक उठापटक देखने को मिल गई। हर कोई उनके पॉलिटिकल सक्सेसर पे बात नहीं कर रहे थे। अजित पवार तो कह रहे थे कि किसी नए को मौका दे दीजिए, लेकिन एक लाइन से आज एक कमिटी बैठी और एक लाइन से उन्होंने शरद पवार के इस्तीफे को नामंजूर कर दिया। मतलब शरद पवार अध्यक्ष थे, रहेंगे और उनके सिवा कोई नहीं, तो फिर इतना ड्रामा करने की क्या जरूरत थी शरद पवार को। शरद पवार की जो ये इस्तीफे की पॉलिटिक्स थी, जो रिजाइन पॉलिटिक्स थी, उसके पीछे उसके सियासी मायने क्या हैं, जो एनसीपी और शरद पवार के लिए दूरगामी पॉजिटिव परिणाम लेकर आएंगे। एक तीर से जो दो निशाने मारे हैं उसको लेकर अब एनसीपी का राजनीतिक फ्यूचर, जिसको लेकर खबर आ रही थी कि ये नेशनल पार्टी का दर्जा भी खो सकती है, शरद पवार पार्टी में ग्रिप खो चुके हैं, ये तमाम खबरें सामने निकल कर आ रही थी। लेकिन अब ये जो इस्तीफा नामंजूर किया गया, वो भी कमेटी ने, शरद पवार कुछ नहीं बोले, उन्होंने सिर्फ अपना तुरुप का इक्का फेंका। ऐसे समय में जब नीतीश कुमार को हम देख सकते हैं, वो कह रहे हैं कि मैं पीएम फेस नहीं बनना चाहता, लेकिन मेरा काम है समूचे विपक्ष को एक मंच पर लाना, विपक्ष को एकजुट करना। ऐसे में शरद पवार बन गए हैं एक और पैरेलल चेहरा, जब नीतीश कुमार प्रोएक्टिव हो रहे हैं पूरे विपक्ष को जोड़ने के लिए। पार का रुतबा देखते हुए उनकी भूमिका और महत्वपूर्ण होती है। पार्टी नेता उन्हें ही अपना नेता बता रहे हैं। इस्तीफे का फैसला लिया तो था, लेकिन पार्टी के बाकी नेताओं से बात नहीं की। परिवार के केवल चार लोग, जैसे कि बेटी सुप्रिया सुले, दामाद सदानंद सुले, भतीजे अजित पवार और उनकी पत्नी प्रतिभा पवार को इस्तीफे के बारे में पता था। आश्रम में अजित पवार को चूंकि शरद पवार का उत्तराधिकारी माना जाता है, तो खबरें आ रही थी कि अजित पवार कमान संभालेंगे, लेकिन उन्होंने ये भी बोला कि किसी नए फेस को मौका दो। इन तमाम चीजों पर विराम लगा दिया खुद ही कमेटी ने। परिस्थिति पहले महाराष्ट्र में बन रही थी अजित पवार की बीजेपी में शामिल होने की अटकलें, और जो परिस्थिति ये बन रही थी कि एनसीपी बहुत जल्दी नेशनल पार्टी का दर्जा खो सकती है, ये तमाम चीजें सोच समझ कर जो शरद पवार ने इस्तीफा वक्त की नजाकत को देख कर समझ कर, उससे शरद पवार की जो इमेज है वो और स्ट्रॉन्ग हुई है। इस्तीफा देने के बाद असर यह है कि पार्टी के सभी नेता एकजुट हो गए, स्टेज पर कहने लग गए कि इस्तीफा वापस लीजिए। दूसरा, इसके जरिए उन्होंने ये दिखा दिया कि पार्टी के असली किंग वही हैं, बाकी कोई और नेता पार्टी का वर्कर है, और जो पार्टी का वर्कर है पार्टी को एकमत करने के लिए काम करे, लेकिन राजा तो एक ही है एनसीपी का, वो है शरद पवार। अब कंक्लूड अगर कर ले, शरद पवार का जो इस्तीफे की पॉलिटिक्स थी, हालांकि वो 83 साल के हो गए हैं, अब वो क्विट करना चाह रहे थे, लेकिन ये जो पॉलिटिक्स है उसका एनसीपी को और शरद पवार को एज अ लीडर किस तरीके से फायदा मिला वो आपको बता देते हैं। एक तरह पहला पॉइंट, एनसीपी में जो विरोध चल रहा था पूरी तरीके से वो शांत हो गया, सब सॉफ्ट हो गए, सब शांत हो गए। दूसरा, शरद पवार के इस्तीफे के बाद आफ्टर इफेक्ट्स जो देखने को मिले, उससे ये पता लग गया कि पार्टी का जो वर्कर है, जो पार्टी की कमेटी है और जो पार्टी के शीर्षस्थ नेता हैं, वो खड़े किसके साथ हैं। और तीसरा, महाविकास अघाड़ी में एनसीपी का जो पावर है, जो प्ले है और जो रोल है वो कितना महत्वपूर्ण है, उसका पॉलिटिकल वेटेज इस पूरे अलायंस में क्या है, ये साबित कर दिया शरद पवार ने। ऐसे ही नहीं, उन्हें राजनीति के चाणक्य के तौर पर जाना जाता है।